everyone. I hope you all are safe and doing well. So in today's video I am going to share you some tips and remedies for pimples. Pimple एक ऐसी चीज है जो मुझे तो कोई भी इवेंट या फिर कोई फंक्शन होता है ना तभी ही आ जाता है, पता नहीं क्या उसका लेना देना है मेरे से. क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. चलो वो सब साइड में रखते हुए मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स और रेमेडीज जिससे पिंपल बहुत हद तक रिड्यूस हो सकते हैं. आई नो ये सभी चीज मैं वीडियो में बताने वाली हूँ, कहीं ना कहीं आप लोगों ने कहीं से सुनी होगी या फिर आपको पता होगा, लेकिन आप लोग ये सभी चीज फॉलो नहीं करते होंगे. लेकिन आपको ये फॉलो करना चाहिए और ये सभी चीजें करनी चाहिए. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फ्रॉम इनसाइड. अगर आप खुद की बॉडी अंदर से क्लीन नहीं रखोगे तो ऑब्वियसली पिंपल्स आएंगे. सेकेंड थिंग इज यू नीड टू स्टे हाइड्रेटेड. ज्यादा से ज्यादा पानी पिया करो. थर्ड इज कि आप अपना फेस वॉश हमेशा करते रहो. जब भी बाहर जाके आओ तो डस्ट हमारे स्किन पे चिपक जाता है, इसकी वजह से भी पिंपल्स होने के चांसेस ज्यादा है. जब भी आप बाहर जाके आओ तो पहले आके फेस वॉश करो. अब मैं आपको दो रेमेडीज दिखाऊंगी जिसमें आपको पेस्ट बना के अपने फेस पे लगानी है. आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो. So the first remedy is you need to take pinch of हल्दी powder. बहुत ज़्यादा टर्मरिक पाउडर मत ले लेना वरना आपका फेस थोड़े टाइम तक येलोइश हो जाएगा. 1 spoon of sandalwood powder and 1 spoon of honey. And for the proper paste you can add rose water. Mix it well and you need this type of paste, not that much thick or thin. So now second remedy कुछ easy है और शायद सभी के घर में ये चीजें मिलेंगी. So you need to take 2 tablespoons of मुल्तानी मिट्टी, add pinch of हल्दी powder, 1 spoon of dahi, add 1 spoon of honey, add 1 spoon of gram flour बेसन. ये ऑप्शनल है. बाय द वे ये ऐड करोगे तो आपको स्मूथ स्किन मिलेगी एंड ये एक्ने स्पॉट्स को भी रिमूव करने में हेल्प करता है. Now mix it well and you will get something like this. Now I will apply this paste on my face. हम ड्राई होने देंगे और फिर इसे हम वॉश कर लेंगे. सेम इसी तरह हमने जो दूसरी पेस्ट बनाई उसका भी हम सेम प्रोसेस करेंगे. लास्ट थिंग इज एलोवेरा. एलोवेरा के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, अभी तक आपने नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हो. सो एलोवेरा भी एक अच्छा काम करेगा पिंपल के लिए. तो आप अपने पिंपल पे या फिर पूरे फेस पे एलोवेरा जेल या फिर एलोवेरा लगा सकते हो और सूख जाए तब तक रहने देना है, या फिर आप ओवरनाइट भी रख सकते हो. एलोवेरा जेल आपको कुछ भी नुकसान नहीं करेगा, इसलिए आप ओवरनाइट भी रख सकते हो. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. ये सारी रेमेडीज और टिप्स आप जरूर फॉलो करना, आपको थोड़ा सा तो फर्क दिखेगा ही. और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, जिससे मेरे हर एक न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.